नीतीश कुमार की जेडीयू ने तेजस्वी के इस्तीफे पर फैसले के लिए आरजेडी को 4 दिन का वक्त दिया था, उसकी मियाद आज खत्म हो रही है। समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश अब कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जिसमें तेजस्वी की बर्खास्तगी भी शामिल है। इस बात की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि शुक्रवार को ही लालू ने साफ कह दिया था कि तेजस्वी के इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी की बर्खास्तगी के साथ ही बिहार में महागठबंधन टूट जाएगा? तो इसका जवाब लालू ने ही दे दिया कि महागठबंधन को टूटने नहीं देंगे। अब सवाल है कि तेजस्वी की बर्खास्तगी अगर होती है तो भी लालू सरकार को कैसे बचाएंगे? क्या लालू समझौता कर लेंगे और पूरी तरह से चुप्पी साध कर कैसे भी गठबंधन को चलाते रहेंगे? ऐसा नहीं है, लालू विरोध तो जताएंगे लेकिन अलग तरीके से। आरजेडी ने पहले से ही इस संकट का हल निकालने के लिए आगे की रणनीति तय कर ली है। अगर तेजस्वी को सीएम नीतीश ने बर्खास्त किया तो उसके बाद आरजेडी के सभी मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल आरजेडी शुरू से ही इसी रणनीति पर चल रही है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि अगर तेजस्वी इस्तीफा देते हैं तो पार्टी कैडर का मनोबल गिरेगा और जनता के बीच ये धारणा बनेगी कि लालू परिवार ने कुछ न कुछ गलत जरूर किया है। इसीलिए प्लान बी के तहत लालू ने फैसला किया है कि वो नीतीश की ओर से तेजस्वी को बर्खास्त करने का इंतजार करेंगे। तेजस्वी को कैबिनेट से बाहर किए जाते ही आरजेडी कोटे के बाकी के 11 मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन आरजेडी सरकार को बाहर से समर्थन देती रहेगी ताकि महागठबंधन अटूट बना रहे। आरजेडी नेताओं का मानना है कि इस कदम से वोटरों के बीच तेजस्वी के प्रति सहानुभूति बढ़ेगी। दूसरे, अगर महागठबंधन टूट गया तो खासतौर पर लालू को 2019 के चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसीलिए महागठबंधन को बनाए रखना भी लालू के लिए बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।